हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इससे पहले सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं, तो ये लास्ट वीडियो बचा है और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, तो उनको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी बोर्ड हो आपका कोई मैटर नहीं होता, है ना। तो कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर को हम बोलते हैं उपभोक्ता, है ना। आप सबको पता है हम जो भी चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हैं तो हम कौन क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर कहलाएंगे, उपभोक्ता कहलाएंगे, है ना, जिसको देसी भाषा हम ग्राहक भी बोल देते हैं। तो व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेशनल कंज्यूमर्स डे, नेशनल कंज्यूमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24 दिसंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर्स डे। आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई एक्ट कब आया था, 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। द इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पॉपुलरली नोन एज। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये लेके आए थे, तो इसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, इसको कोबरा बोलते हैं। कोबरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, CO मतलब कंज्यूमर, PR मतलब प्रोटेक्शन, और ये का मतलब एक्ट होता है। टुडे डैश हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू कवर ओवर 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 115 कंट्रीज। तो किस चीज़ की बात की जा रही है, कंज्यूमर इंटरनेशनल की बात की जा रही है। कंज्यूमर इंटरनेशनल एक अम्ब्रेला बॉडी बन चुकी है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, और लगभग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के 120 मेंबर काम कर रहे हैं जो कि 115 कंट्रीज से आते हैं ना। अंडर कोबरा ए जुडिशियल मशीनरी वाज सेट अप फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो कोबरा एक्ट के अंदर एक मैकेनिज्म स्टेब्लिश की गई है जिसका नाम है थ्री टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी, थ्री टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। ठीक है, जो क्या करती है, अलग अलग केसेस को अलग अलग लेवल पर डील करती है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, ऐसे करके। तो 24 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल कंज्यूमर्स डे। इंडिया हैज बीन ऑब्जर्विंग द नेशनल कंज्यूमर्स डे डैश, क्या ऑब्जर्व करता है 24 दिसंबर को, नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व करता है। डैश इज द सर्टिफिकेट एंड मार्क इंप्लॉयड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क्स लगाया जाता है, तो उसका नाम है एग मार्क, ये जी मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है ना, एक कैंपेन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एजुकेट द कंज्यूमर्स इन इंडिया, भारत सरकार ने कौन सा कैंपेन चलाया था ताकि इंडियन कंज्यूमर्स को एजुकेट किया जा सके, अवेयर किया जा सके, तो वो है जागो ग्राहक जागो। क्या है, जागो ग्राहक जागो, इसके ऐड भी आपने टीवी पे देखेंगे। द रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन, कंज्यूमर के एक्सप्लोइटेशन का मेन कारण क्या है, इलिटरेसी, रिच, कंपल्सन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही रीजन है इलिटरेसी, अनपढ़ है ना, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर वो होता है जो किसी मार्केट से, दुकान से सामान खरीदता है ताकि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को किस नाम से जाना जाता है, कोबरा नाम से। कोबरा की फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोबरा की फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आरटीआई क्या है, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था जिसको बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के नाम से जानते हैं। इस एक्ट के अंदर भारत का कोई भी सिटीजन, उसको अधिकार है कि वो जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके बारे में किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी सिटीजन भारत का इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसको बोलते हैं आरटीआई जो 2005 में आया था। उस प्रोग्राम का नाम बताओ जो कंज्यूमर को अवेयर करता है, तो वो है जागो ग्राहक जागो। कोबरा एक्ट 1986 का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया गया था, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये, नंबर एक, टू इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर के हित में बढ़िया तरीके से काम करे, एक तो इसलिए लाया गया था। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जो मार्केट में गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है उससे बचाना कंज्यूमर को। दीज वर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। विच लोगो वुड यू लाइक टू सी फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जब आप इलेक्ट्रिकल का कोई सामान खरीदते हो तो कौन सा लोगो वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो ऐसे करके आपने देखा होगा ISI, कौन सा रहता है, ISI मार्क। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल का सामान खरीद रहे हो, ISI मार्क वहाँ पे लगा हुआ, समझ लेना स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, क्वालिटी एकदम शानदार है। तो वी वुड लाइक टू सी ISI मार्क बिफोर परचेजिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज टेलीविजन फ्रॉम मार्केट, कोई भी सामान खरीदो, अगर आप खरीद जब भी खरीदो तो आप ध्यान रखना ISI का मार्क होना चाहिए, मतलब वो जो भी मतलब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट कर रहा है ना, वो सही रहता है, सेफ रहता है। हॉलमार्क किस लिए यूज होता है, कौन से प्रोडक्ट में हॉलमार्क का यूज होता है, तो हॉलमार्क ध्यान रखना प्रीशियस जो मेटल्स होते हैं, स्पेशली ज्वेलरी, ज्वेलरी में आप देखना हॉलमार्क का हम यूज करते हैं, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी है, अगर उस पर हॉलमार्क लगा हुआ है तो समझ लेना ये
अच्छी क्वालिटी का, इस पर भरोसा किया जा सकता है। कंज्यूमर फोरम क्या है? कंज्यूमर फोरम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर के अधिकारों की बात करते हैं, साथ के साथ में ये उनको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि वो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकें और अपने केस की सुनवाई करवा सकें। तो बस आज के लिए इतने ही, और यहाँ पर हमारी कंप्लीट क्लास टेंथ के जितने भी चैप्टर हैं जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आप एक एक करके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर देख सकते हो। और अब आने वाले टाइम पर मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी टेल यू, आने वाले टाइम पर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिला करेंगे, अब डायरेक्ट जीओ के क्वेश्चन मिला करेंगे कंप्लीट, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कंप्लीट मिलेंगे, आपको सिविक्स के कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपको 100 प्लस या 150 प्लस ऐसे क्वेश्चन में अपलोड करूंगा। अब टाइम थोड़ा उनमें लगेगा, और आने वाले टाइम पर अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आई विल अपलोड टॉपिक वाइज वीडियोस। अब मैं टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड करूंगा, पूरा चैप्टर तो नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली आपको हर सब्जेक्ट में से कवर किए जाएंगे। तो निश्चिंत रहें, मेरी गारंटी है बहुत मस्त आपके नंबर आने वाले हैं, आप अच्छी तरह से तैयारी करो, ठीक है। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।